হার্ডেস্ট ওয়েলকাম ইন মাই নিউ চ্যানেল হিউম্যানিটি অর্থাৎ মনুষ্যত্বতে। আজ এমনই এক মানুষের জীবন কাহিনী আপনি শুনতে চলেছেন ডক্টর বিবেক বিন্দ্রা দ্বারা, যা আপনি এর আগে শোনেননি। আর এরকমই সমস্ত ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আপকা ওয়াপিস স্বাগত হ্যায়, মে বিবেক বিন্দ্রা, ফাউন্ডার এন্ড সিইও badabusiness.com। আজ মে এক সন্ন্যাসী কে বিষয়ে মে বাত করুঙ্গা। ভিডিও থোড়া অলগ হোগা, আজ ডিফারেন্ট হোগা। সন্ন্যাসী কে জীবন সে পাওয়ারফুল বিজনেস লেসন্স। ইয়ে এক অলগ হি সন্ন্যাসী হ্যায়, হিল ডিভাইন গ্রেস অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বিধান স্বামী শ্রীলা প্রভুপাদ। কৌন হ্যায় শ্রীলা প্রভুপাদ? ইয়ে ইসকন কে ফাউন্ডার আচার্য হ্যায়। ইসকন কা নাম তো লগভগ পুরি দুনিয়া নে সুনা হ্যায়, ইনকা নাম কম লোগো নে সুনা হ্যায়। স্বামী বিবেকানন্দ কো তো লোগ জানতে হ্যায়, লেকিন ইনকে বারে মে কম জানতে হ্যায়। আজ কুছ এইসি অদ্ভুত বাতে বাতাউঙ্গা, ভিডিও সে নজর মত হিলা দিজিয়েগা। শ্রীলা প্রভুপাদ সে আপ দুনিয়া ভর কে সারে বিজনেস লেসন সিখ সকতে হ্যায়। আপ पंक्चुअलिटी सीखना चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप को कैसे तैयार करें, एक इंस्टीट्यूशन को कैसे स्केल करें, बिना पैसे के एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बिल्ड करें, सस्टेनेबिलिटी कैसे लाएं, प्रोसेस कैसे लेके आए, पीपल स्किल क्या होते हैं, रैपिड एक्सपेंशन, ग्रोथ स्पीड ये कैसे आता है। बंगाल में इनका जन्म हुआ था 1896 के अंदर, और इनकी माता का देहांत हो गया था जब ये 14 साल के थे 1910 में। ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज गए थे, यूरोपियन लेड एजुकेशन थी, शुरू से ही बहुत तेज थे, अंग्रेजी में इन्होंने पढ़ाई करी, लेकिन इन्होंने डिप्लोमा या डिग्री जो भी थी ब्रिटिश को रिस्पॉन्ड करते वक्त इन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर उसको लेने से अस्वीकार कर दिया। गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर रहे। ये कोई शुरू से सन्यासी नहीं थे, प्रयागराज अलाहाबाद में इनका खुद का फार्मेसी का बिजनेस था, पर 1922 में जब अपने गुरु से मिले, इनके गुरु इनको देख के पहचान गए कि श्रीला प्रभुपाद की अंग्रेजी तो इतनी अच्छी है कि जब ये अंग्रेजी में बोलेंगे तो अंग्रेज भी डिक्शनरी खोल करके उस समय समझेंगे कि अंग्रेजी में बोल क्या रहे हैं। तभी इन्होंने प्रभुपाद को एक आदेश दिया, क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, तुम्हारे को शास्त्रों में मन भी लगता है और अंग्रेजी भी अच्छी है, तुम भगवत गीता के ज्ञान को अंग्रेजी भाषा में पूरी दुनिया तक पहुंचा, क्योंकि हमारे शास्त्रों को दुनिया में कोई नहीं लेके जा रहा, दुनिया की किताबें हमारे देश में आ रही हैं। श्रीला प्रभुपाद ने उनकी इंस्ट्रक्शन को दिल से लगा लिया। गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्त कौरिया ऐक्या, के गुरु के मुख से निकले हुए वाक्यों को चित्त के साथ एक कर लो। अंग्रेजी में भगवत गीता को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, बैक टू गॉडेड किताब लिखते, भगवत गीता को ट्रांसलेट करते, लैपटॉप टाइपराइटर नहीं हुआ करता था, कंप्यूटर नहीं होता था, मैनुअली लिखते थे। एक साल लगा करके इन्होंने कई पेजेस के अंदर भर करके भगवत गीता को ट्रांसलेट किया। एक दिन फैक्ट्री से वापस आ रहे थे, अपने घर पहुंचे, जब घर पहुंचे तो ढूंढने लगे कागज कहां है सारे, इतनी मेहनत की कागज इनको मिल नहीं रहे थे, बड़े परेशान थे। उस समय अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि वो कहां है जो मैंने भगवत गीता ट्रांसलेट करी, तो अचानक इनकी पत्नी ने जो बोला इनके होश उड़ गए। इनकी पत्नी ने कहा वो सारे तो मैंने कबाड़ी को बेच दिए। बोलो क्यों बेचे? बोला उसके बदले मैंने चाय खरीद ली, अंग्रेजों ने बताया चाय पीनी चाहिए। प्रभुपाद को बहुत बुरा लगा। अचानक प्रभुपाद ने उनसे पूछ लिया टी और मी, इनकी पत्नी ने बोल दिया टी। उस दिन उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, संन्यास लेने की तैयारी करी। वहां से जाकर के उन्होंने फिर से भगवत गीता लिखनी शुरू करी। बाद में ये वृंदावन चले गए, कई साल वृंदावन रहे, भगवत गीता लिखी, उसकी तैयारी करी। ये पहले से जानते थे कि दुनिया का नंबर वन देश अमेरिका और अमेरिका का नंबर वन शहर न्यूयॉर्क, तो मैं शुरुआत न्यूयॉर्क से ही करूंगा। थोड़ा इमेजिन करिए, 70 साल का किसी बूढ़े व्यक्ति का चित्र लेके आई अपने मन में, 70 साल की उम्र में 32 दिन की जहाज की लंबी यात्रा, जिसमें रास्ते में इनको दो बार हार्ट अटैक आ गया। कुछ केवल साथ में $7 लेके कुछ किताबें लेकर निकल पड़े, वहां कोई इनको जानता नहीं था। ये जानते थे कि मैं अकेला हूं और मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सब कुछ नहीं कर सकता इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं कुछ करूंगा, और कुछ कुछ कर करके, कुछ कुछ कर करके मैं सब कुछ भी कर दूंगा। और वो हिम्मत लेकर के निकल पड़े, वहां पहुंचे टॉम्सकिन स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क के अंदर। उन दिनों वियतनामीज और यूएस का वॉर चल रहा था, जिसके कारण वहां बहुत हिप्पीज आ गए थे। हिप्पीज वो हुआ करते थे जो सड़क पर लेट करके इलिसिट सेक्स करना, नशा करना, वहीं पर नंगे लेटे रहना, दो दो चार चार छह छह महीने तक नहाना नहीं। हिप्पीज ने एक्चुअली डिफाई कर दिया अमेरिका को, अमेरिकन सरकार परेशान थी कि ये लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, पूरी तरह स्वतंत्र हो चुके हैं और कुछ भी कर रहे हैं। इन्होंने सोचा क्यों ना इन्हीं के साथ शुरुआत किया जाए। सबसे डिफिकल्ट मैन पावर को उन्होंने कल्टीवेट करने का कोशिश किया, उनको डायरेक्शन दिया ताकि मैं कमिटमेंट ले सकूं। धीरे धीरे उनके लिए कीर्तन करना शुरू कर दिया। इनका रूल क्या था? करेक्शन नहीं, मेडिटेशन। एक बार मेडिटेशन करा के इनको करेक्शन दूंगा बाद में, पहले मेडिटेशन बाद में करेक्शन। और वहां जो हिप्पी हुआ करते थे वो उनकी सुनते नहीं थे, बेइज्जती करते थे, इनके ऊपर सिगरेट का धुआं फेंक देते थे, इनको टॉयलेट की लंबी लाइन में पीछे धक्का मार के खड़ा देते थे, इनका सामान चोरी कर लेते थे, इनकी बेइज्जती करते थे। पर प्रभुपाद उनके लिए फिर भी भोजन बनाते थे, उनको सुबह शाम भगवत गीता पे कथा सुनाया करते थे, उनके साथ बैठ के कीर्तन करते थे, उनको धीरे धीरे मजा आने लगा। प्रभुपाद ने एक दिन उनसे पूछा तुम नशा क्यों करते हो, तो बोले सर मेरे को ना आई वॉन्ट टू स्टे हाई, मैं नशा क्यों करता हूं, मुझको अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू स्टे हाई। तो प्रभुपाद ने कहा मैं तुमको ऐसा नशा दूंगा विच विल कीप यू हाई फॉर एवर। उन्होंने बोला ऐसा नशा है आपके पास? बोले वो कौन सा नशा है? बोले हरिनाम का नशा है।
मैं तुमको हरि नाम लेना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें भगवद गीता पढ़ना सिखाऊंगा, अगर तुम कृष्ण के आदेशों को समझ पाए तो वो सबसे ऊंचा नशा है। जिसको वो नशा लग गया आध्यात्मिक जीवन का, तो भौतिक जीवन के नशे उसके सामने बहुत छोटे पड़ जाएंगे। धीरे धीरे लोगों ने उनकी बात सुननी शुरू करी। ये लोग अपना घर बार पहले ही छोड़ चुके थे। प्रभुपाद को समझ में आ गया ऐसी मैन पावर जिसका कहीं दुनिया में अटैचमेंट नहीं, उनको कल्टिवेट कर गया तो ये मेरे मूवमेंट को पूरी दुनिया में फैला सकेंगे। ये अंग्रेज है और अंग्रेजों की बात पूरी दुनिया जानती है, इसीलिए हंट द राइनोसेरस। अगर शिकार करना है तो गेंडे का शिकार करो। प्रभुपाद ने सबसे कठिन मुद्दा उठाया और उसके बाद अमेरिका की सरकार भी प्रभुपाद को धन्यवाद करती थी कि तुमने ऐसे लोगों को नशा छुड़वा दिया। वो सारे हिप्पी हैप्पी बन गए। क्या कमॉन, दोबारा सुनिए, हिप्पीज को हैप्पी बना दिया इन्होंने। कैसे हैप्पी बनाया? उनको गुलाब जामुन बना बना के अपने हाथ से खिलाते थे, उनको कथा सुनाते थे और धीरे धीरे उनका हृदय में परिवर्तन आया। और वहीं से प्रभुपाद ने, ये लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर थे प्रभुपाद, मेरी बात सुनिए, एम्पावर करते थे, लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर। इतना विश्वास डाला उनमें, इतना ट्रस्ट डाला उनमें कि उनको बोला यहां से तुम मेरे सारे शिष्य बन चुके हो। 10,000 शिष्य उन्होंने बनाए धीरे धीरे करके यूएस के अंदर। दो को उन्होंने भेजा यूरोप में, दो को भेजा अफ्रीका, फिर दो को ऑस्ट्रेलिया, फिर दो को रशिया, फिर दो को इंडिया। ऐसा करते करते उन्होंने सब जगह लोगों को अलग अलग भेजा और बोला अब इस भगवत गीता को तुम लेके जाओ, मैंने तुमको सिखाया, अब तुम दूसरों को सिखाओ। 1965 से 1977 तक लगभग 11-12 साल इन्होंने पूरी तरह अपने आप को झोंक दिया। पैसे की कमी थी इनके पास, सोचा पैसा नहीं है तो अगरबत्ती पूजा में काम आने वाली अगरबत्ती का बिजनेस इन्होंने अपने शिष्य को करना समझाया। लगभग 3 सालों के अंदर $1 मिलियन का रेवेन्यू आना शुरू हो गया अगरबत्ती के से। किताबें उन्होंने तेजी से लिखनी शुरू कर दी। 5.5 करोड़ किताबें इन्होंने इस दौरान पूरी दुनिया के अंदर बांटी। किताबें बेच करके कुछ फंड रेज किया जिससे इन्होंने मंदिर बनाने का प्रयास किया। अपने शिष्यों को समझाया, उनको सिखाया, वो किताबों को 25 भाषाओं में पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसलेट किया। उन दिनों क्या हुआ, सब लोग अंग्रेज लोग पूरी दुनिया में इनको देख रहे थे, ये कौन इंडियन सन्यासी आया है जिसने भगवद गीता, कृष्ण, अर्जुन, जिसकी कोई जानकारी नहीं किसी को, लेकिन गोरे काले हर धर्म के लोग सीखने लग गए। ये रिलीजन से आगे लेकर के चले गए। इन्होंने कहा रिलीजन नहीं, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं। उसी दौरान एक रिपोर्टर इनके पास आया, बोला स्वामी जी, इंडिया हैज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग गॉड, एवरी वीकेंड अ गॉड कम्स फ्रॉम इंडिया एंड सेज दैट आई विल मेक यू गॉड, स्टार्ट फंडिंग मी, कम ऑन। तो स्वामी जी हैरान हो गए, बोला स्वामी जी आर यू ऑल्सो गॉड, क्या स्वामी जी तुम भी भगवान हो? तो प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का नौकर हूं। तो वो हैरान हो गया, पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया हिंदुस्तान से जो बोला मैं भगवान नहीं हूं, भगवान का नौकर हूं। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं भगवान का नौकर भी नहीं हूँ, मैं भगवान का नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूँ। I am all a servant of God, but it is for you to recognize. सारे अमेरिका के अंदर अखबारों में छप गया कि पहली बारी कोई ऐसा इंडियन आया जो बताता है आई एम ट्राइंग टू बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड। उन्हीं दिनों हेनरी फोर्ड के पोते अल्फ्रेड फोर्ड इनसे मिलने के लिए आए। हेनरी फोर्ड का नाम बहुत हुआ करता था पृथ्वी के अंदर, प्रभुपाद कम बोलते थे, लिमिटेड बोलते थे। जब अल्फ्रेड फोर्ड इनसे मिलने आए तो प्रभुपाद ने केवल उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा, वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ? अब हेनरी फोर्ड जीवित नहीं थे, बस केवल उनकी आंखों में आंख डाल के प्रश्न पूछा। अल्फ्रेड फोर्ड उसी समय घबरा गए, उनको समझ आ गया कि ये जीवन किसी के लिए नहीं है, कोई नहीं बचने वाला यहाँ पे। और उसी दिन उन्होंने प्रभुपाद को सरेंडर कर दिया और उनसे कहा मुझे भी भगवद गीता सिखाइए। ये ऐसे संत सन्यासी है जिनके कारण आज पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों हजारों ऐसे मंदिर बने जहाँ भगवद गीता पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है, पाकिस्तान जहाँ कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आज भी इस्कॉन के 12 मंदिर है पाकिस्तान में जहाँ रोज शाम को भगवद गीता पर कथा की जाती है। ये बड़ा अनइमेजिनेबल था कि कुछ ही सालों के अंदर इन्होंने 6 महाद्वीप 6 कॉन्टिनेंट के अंदर 108 मंदिर बना दिए। ये तब किया जब वेंचर कैपिटल नहीं था, कोई एंजल फंड नहीं था, प्राइवेट इक्विटी नहीं था, कोई आईपीओ नहीं निकाला, कोई बैंक लोन नहीं है, कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड, सैलरी देने का पैसा नहीं है, लाइफ टाइम वॉलंटियर इकट्ठे किए 10,000। उन दिनों इन्होंने अपने शिष्यों को लेटर पे लिख लिख के बात किया। इमेजिन करिए, कम्युनिकेशन बहुत स्लो था। मैं सोचता हूं कई बार अगर प्रभुपाद आज होते ना तो भगवद गीता इंडिया की राष्ट्र पुस्तक नहीं होती, पूरे विश्व के अंदर होती, इतनी स्पीड थी प्रभुपाद की। उस समय जब अपने शिष्यों से बात करते थे तो न्यूयॉर्क से साउथ अफ्रीका चिट्ठी भेजते थे, वो चिट्ठी में प्रश्न पूछता था, जवाब देते थे, फिर चिट्ठी वापस आती थी, फिर उसका उत्तर देते थे। इमेजिन करिए 10,000 ऐसे लेटर लिखे इन्होंने, कितना समय की कमी रहा होगा इनके। इतने सारे फिलोसॉफिकल इश्यूज, मैनेजरियल इश्यूज, पर्सनल इश्यूज, प्रोफेशनल इश्यूज, सब पे गाइड किया करते थे। व्हाट्सएप नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, वहां पे फ्लाइट तेज नहीं जाती थी, बावजूद उसके इन्होंने 12 साल के अंदर 15 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। एक बात समझिए, सेल्स इज नॉट अबाउट सेलिंग, इट इज अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट इन एजुकेशन, बिल्डिंग ट्रस्ट इन एजुकेशन। विश्वास बढ़ाओ, एजुकेट करो, विश्वास बढ़ाओ, एजुकेट करो। दुनिया भर में इतना विश्वास बढ़ा दिया, एजुकेशन बढ़ा दिया भगवद गीता के बारे में कि बीटल्स जो उस समय बहुत फेमस हुआ करता था, बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने अपना 70 एकड़ का फार्म वॉटफोर्ड में लंदन के नज़दीक इनको डोनेट कर दिया, वो इनका शिष्य बन गया और अपने रॉकस्टार गानों के साथ साथ कीर्तन करने लग गया हरे कृष्णा। उन्हीं दिनों प्रभुपाद जी साथ साथ इतनी किताबें लिखना चाहते थे, जानते थे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सारी चीज़ें लिख के चला जाऊँ ताकि लोग उसको आसानी से फॉलो कर सकें,
उन्होंने खुद से लिखना बंद कर दिया, डिक्टाफोन ले लिया। डिक्टाफोन जानते क्या होता है, उस पर ये रिकॉर्ड करते थे और चलते चलते रिकॉर्ड करते थे, बैठे बैठे रिकॉर्ड करते थे। 24 घंटे में से 22 घंटा सेवा करते थे, 2 घंटा आराम करते थे। अनइमेजिनेबल है, मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ, फिर से इसको मत मिस करिएगा। 24 में से दुनिया जानती है प्रभुपाद 22 घंटा सेवा करते थे, 2 घंटा रात को 10 से 12 तक आराम करते थे, रात को 12 से सुबह 4 बजे तक किताबें ट्रांसलेट किया करते थे, क्योंकि इनके गुरु का आदेश था। किताबें ट्रांसलेट कर करके रिकॉर्ड करते थे, उसको जानते थे मैं लिखूंगा टाइप करूंगा टाइम लगेगा, शिष्यों को बोलते थे तुम रिकॉर्डिंग को सुनो उसको टाइप करो। उसी समय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, डिक्टाफोन के बाद माइक्रोफोन आया, माइक्रोफोन पे करने लगे। सुबह की साधना करते, मंदिर में मंगल आरती करने के बाद, जब करने के बाद, जब बाहर वॉक करने निकलते 1 घंटा वॉक करते, शिष्य को साथ में लेते, उस समय फिर से ट्रांसलेट करते, शिष्य माइक पकड़ के चलते रहते, ये मॉर्निंग वॉक पे फिर से ट्रांसलेट करते। जानते थे इनके पास समय कम था। प्रभुपाद ने अपने 12 साल के अंदर वो काम किया जो कि बिल्कुल अकल्पनीय है। इसमें मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं, उसको बोलते हैं EFA, एलिफेंटाइन फोकस्ड एडवांटेज, एलिफेंटाइन फोकस्ड एडवांटेज। इसको बोलते हैं अव्यर्थ कालत्वम, संस्कृत का शब्द है अव्यर्थ कालत्वम, यानी कि इतना सा भी समय वेस्ट नहीं करना। ऑब्सेसिव अटेंशन टू डिटेल, इसको क्या कहते हैं OAD, ऑब्सेसिव अटेंशन टू डिटेल। हाथी के बराबर हाथी शब्द इस्तेमाल किया गया, एलिफेंटाइन फोकस, जो कि लगना चाहिए आपको बहुत भयंकर फोकस है ये। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे क्या कहता है कि यार विवेक मेरे को 12 साल लग गए एक फैक्ट्री को 2 फैक्ट्री बनाने में। सुनिएगा, 12 साल लगे एक फैक्ट्री को 2 फैक्ट्री बनाने में, जिसमें मैंने बहुत पैसा लगाया। प्रभुपाद बिना पैसे के एक मंदिर को 108 मंदिर बना दिया 12 साल के अंदर। ये किया कैसे, बिना तनख्वाह दिए। मैं इतनी तनख्वाह दे रहा हूं, लोग काम नहीं कर रहे, ये बिना तनख्वाह के लोगों से इतना काम करा लेते हैं। इसी को बोलते हैं कि वैकुंठ से जब व्यक्ति आता है और ऐसी लीडरशिप बिल्ड करता है, ऐसी लीडरशिप वाला व्यक्ति इतना एम्पावर कर देगा कि एक ऑर्डिनरी आदमी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा जाएगा। जब जेब में पैसा हो तो स्पीड आ जाती है, सुनिएगा ध्यान से, जब जेब में पैसा हो तो स्पीड तो आ ही जाती है, लेकिन प्रभुपाद की जेब में पैसा नहीं था। ये थोड़ा सा अनइमेजिनेबल केस स्टडी है कि लो कॉस्ट हाई स्पीड, सुनिएगा ध्यान से, बिना पैसा लगाए लो कॉस्ट पे हाई स्पीड कैसे बिल्ड करें। इसका तरीका क्या है, अर्जेंसी और पीपल स्किल। प्रभुपाद अद्भुत व्यक्ति थे, अर्जेंसी और पीपल स्किल। शिष्य तंग करते थे, शिष्य गलतियां करते थे, प्रभुपाद टॉलरेट करते थे पीपल स्किल के साथ में। शिष्य इनको बहुत दुखी करते थे, प्रभुपाद टॉलरेट करते थे पीपल स्किल के साथ में। स्पीड बनाए रखी पीपल स्किल के साथ में, लोग दुखी भी नहीं होते थे, स्ट्रेस भी नहीं होते थे, क्योंकि प्रभुपाद प्रेम इतना देते थे। उनका प्रेम एक समुद्र की तरह था, श्री गुरु करुणा सिंधु, ऐसा करुणा का सिंधु सागर थे ये। इन्होंने एक बार जब ये अपने शिष्य को लेकर के रथ यात्रा ज्वाइन करने गए जगन्नाथपुरी के अंदर, तो वहां पे मंदिर के अंदर अंग्रेजों को जाना मना है, हिंदू मंदिर है, वो कहते हैं अंग्रेज को लोगों को हम नहीं क्रिश्चियंस को अंदर जाने देंगे। प्रभुपाद ने बोला अगर तुम मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं जाने दोगे, मैं जगन्नाथ जी को पूरी दुनिया में ले जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने रथ यात्रा करनी शुरू करी और वहां से पूरी दुनिया में रथ यात्रा का प्रचलन चालू हो गया। प्रभुपाद वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आज पूरी पृथ्वी पर रथ यात्रा और जगन्नाथ जी के दर्शन कराने शुरू किए। यहां पे ये रुके नहीं, इसके बाद उन्होंने सोशल और चैरिटेबल काम भी किए, वर्ल्ड लार्जेस्ट वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है फूड फॉर लाइफ, संडे फील्ड। ये दुनिया भर के अंदर हजारों मंदिरों के अंदर रोज शाम को हजारों लोगों को फ्री में खाना बंटता है। इंडिया में मिड डे मील की स्कीम को एक्वायर कर लिया उन्होंने, सरकार की स्कीम को इस्कॉन ने। क्या किया, आज आपको जानकर हैरानी होगी, बुद्धि चकरा जाएगी, 14 लाख गरीब बच्चों को रोज मिड डे मील का भोजन आज इस्कॉन अपने मंदिर से बना करके भेजता है। कैन यू इमेजिन, 14 लाख बच्चों को कभी अपने आप को पॉपुलराइज नहीं किया, कभी अपनी इन्होंने गाथा नहीं गाई, कभी अपने आप को भगवान नहीं बताया, कभी अपने आप को अपनी तारीफ नहीं करी, अपनी सेवाओं को आगे रखा और बिना प्रमोशन के किसी को कभी प्रमोट नहीं किया। जानते हैं अमेरिका के अंदर भी आपको तो मालूम ही है स्टीव जॉब्स का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो लेक्चर जहां पे उसने खुद ही माना था कि मैं रोज, मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था, एक खाना खाने के लिए एक बार का 7 मील पैदल चल के हरे कृष्णा मूवमेंट पे फ्री का खाना खा के आया करता था। I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. वैसे एक बात बताऊं, सुषमा स्वराज बोल बोल के थक गई थी कि भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कर दो, श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। आज ये प्रभुपाद के चलते न्यू जर्सी की सेटन हॉल यूनिवर्सिटी के अंदर भगवत गीता को कंपलसरी कर दिया। हरे कृष्णा मूवमेंट से भगवत गीता को लेके कैम्ब्रिज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यूके के अंदर 2020 से वहां पे भी किताबें कंपलसरी कर दी कि भगवत गीता सिखानी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये आपको वैल्यूज देंगी, मोरालिटी देंगी, कैरेक्टर देंगी, एथिक्स देंगी, प्रिंसिपल देंगे, ताकि आप एक इंसान को मजबूत बना सको। बहरहाल उनके पास समय कम था। 1977 में जब वो शरीर छोड़ने वाले थे उनका वजन आधा हो चुका था, इतने पतले इतने कमजोर हो चुके थे कि उनके शरीर पर स्किन बची नहीं, हड्डियां और नसें बची थी। जब डॉक्टर भी मिलना आता था ना, उसकी भी बुद्धि चकरा जाती थी कि मैं कैसे दबाऊं, कहीं ऐसे नसों से हड्डी पर लुक छुप के दर्द ना होने लग जाए इनको। शिष्य लोग आसपास देखते थे डॉक्टर का मुंह कितना इंच खुला हुआ है, ऐसा ऐसा
डॉक्टर हैरान होता था, इंच नापते थे, ऐसा कि ये कैसा व्यक्ति कर रहे हैं, इस समय कॉन्शियसनेस को बिल्ड करना पॉसिबल ही नहीं है। प्रभुपाद के सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर चुके थे, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उस समय डेथ बेड पे, क्षमा चाहता हूं गलत शब्द यूज कर रहा हूं, ऐसे लोगों की कभी डेथ नहीं होती, लेकिन उस समय उस बिस्तरे पे भी लेट करके प्रभुपाद शरीर छोड़ने से पहले भी ट्रांसलेट कर रहे हैं भागवतम को कि मेरे जाने से पहले मैं अपने गुरु के आदेश को पूरा करके जाऊं। अद्भुत, डॉक्टर बोला संभव ही नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जानते हैं ये प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति रहे, जाने से पहले इन्होंने पूरा मैनेजमेंट मैनकॉम, कॉर्पोरेट्स के अंदर ना मैनकॉम होता है, मैनकॉम का मतलब क्या, मैनेजमेंट कमिटी। तो प्रभुपाद चाहते थे मैं इसको फैमिली रन बिजनेस की तरह ना चलाऊं, इसको इतना प्रोफेशनल कर दूं जैसे बड़े कॉर्पोरेट होते हैं, वो फैमिली की तरह नहीं चलते, प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं। उन्होंने एक मैनेजमेंट कमिटी बनाई, 12 लोगों की लीडरशिप तैयार करी, बोला जो भी डिसीजन होगा, जो भी पॉलिसी होगी, ये 12 लोग मिल करके करेंगे ताकि कभी भी करप्शन ना लेकर के आए। जब भी अकेले का खुद का बिजनेस होता है तभी करप्शन आता है। कई ऐसे गुरु जी हैं जिनके बेटे भी अपने आप गुरु बन जाते हैं, उनके बेटे भी अपने आप गुरु बन जाते हैं। यहाँ काबिल व्यक्ति को गुरु बनाया जाता है, यहां पे गुरु को नहीं प्रमोट किया जाता, यहां भगवत गीता को प्रमोट किया जाता है। एकर्स ऑफ एकर्स प्रॉपर्टी बना ली प्रभुपाद ने, लेकिन अपने बच्चों के नाम पे एक प्रॉपर्टी नहीं करके गए, सब कुछ सोसाइटी के नाम पे कर दिया। प्रभुपाद कहते थे कि बिलीफ स्पिरिचुअल होगा और बिहेवियर प्रोफेशनल होगा, सिस्टम सुनिए, कम ऑन, बिलीफ स्पिरिचुअल होगा और बिहेवियर प्रोफेशनल होगा। वो क्या कहते थे, प्रिंसिपल ग्लोबल, ग्लोबल है, ग्लोबल ग्लोबल, प्रिंसिपल पूरी दुनिया में एक जैसे होंगे लेकिन रिसोर्सेज लोकल होंगे। अगर आपको पैसा चाहिए तो लोकल जगह से रेज करो, लोकल जगह पे खर्च करो, पैसा ना इस देश से उस देश जाएगा, उस देश से इस देश आएगा, प्रिंसिपल ग्लोबल होंगे और खर्चा रिसोर्सेज लोकल होंगे। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस प्रकार की लीडरशिप आप बिल्ड कर सके तो आपको जिंदगी के अंदर इसके लिए लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, और वही मैं सिखाता हूं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। इसको बोलते हैं लीडर, जिससे आप सारे स्पिरिचुअल भी और बिजनेस भी सारे लेसन एक साथ ले सकते हो। रियल लीडरशिप वीडियो को डाउनलोड व्हाट्सएप पे करके पूरे देश में पहुंचाइए। स्वामी विवेकानंद को जानते हैं, श्रील प्रभुपाद को भी पहुंचाएंगे पूरी दुनिया के अंदर, भारत रत्न मिलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, यह मेरी आपसे प्रार्थना। बहुत सीरियस हूं मैं आज, मैं अपने दिल से बोल रहा हूं, आज इनका जन्मदिन है, आज सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सारे फेसबुक ग्रुप में, अपने यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को निकाल के अपलोड करिए, पूरी दुनिया में पहुंचाइए, प्रभुपाद जी के बारे में पता चलना चाहिए। और अगर आपको वीडियो कहीं से मिला है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट करिए ताकि ऐसे वीडियो आपसे मिस ना हो सके। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।